बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधु जब 2021 के ओलंपिक्स के बाद मोदी जी से मिली थी तब का ये वीडियो देखिए। सर वो मेरा कोच है सर, पार्क उनका नाम। So you are from Korea? Yes sir. Wow. Yes, ever have you visited Ayodhya? There is a special relation with Korea and Ayodhya. So you must visit Ayodhya and you must know what is the history about Ayodhya and you will feel proud. Yes. इस वीडियो में मोदी जी जिस शख्स के साथ बात कर रहे हैं वह पीवी सिंधु का कोच है जो साउथ कोरिया का है। मोदी जी ने इस आदमी से कहा कि आप एक बार अयोध्या जरूर घूम कर आइए। दोस्तों, अयोध्या में रामलला का मंदिर बन रहा है, ये बात तो सबको पता है, लेकिन साउथ कोरिया के एक कोच को मोदी जी जबरदस्ती अयोध्या क्यों भेजना चाहते हैं? इसके पीछे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अब आपके दिमाग में यह सवाल घूम रहा होगा कि भला अयोध्या का कोरिया से क्या संबंध हो सकता है। जी हां दोस्तों, राम की नगरी अयोध्या का साउथ कोरिया से बहुत बड़ा कनेक्शन है। आज से लगभग 2000 साल पहले हुई एक शादी ने अयोध्या का रिश्ता हजारों मील दूर स्थित कोरिया से जोड़ दिया था। भगवान राम को जब वनवास हुआ था तो 14 साल बाद उनकी घर वापसी हो गई थी, लेकिन अयोध्या की एक ऐसी राजकुमारी भी है जो अयोध्या से कोरिया तो पहुंच गई लेकिन वहां से वापस लौटकर कभी नहीं आई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 2000 साल पुरानी एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। यह एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 48 ईसा पूर्व से। अयोध्या में एक राजकुमारी रहती थी जिनका नाम था सूरी रत्ना। सूरी रत्ना के पिता का नाम पदमसेन और मां का नाम इंदुमती पदमसेन था। इनका कौशल साम्राज्य पर राज था। आज से 2000 साल पहले कौशल साम्राज्य आज के उत्तर प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक फैला हुआ था। एक दिन राजा पदमसेन को सपना आया कि उनकी बेटी सूरी रत्ना का विवाह कोरिया के राजा किम सुरो से हो गया। अपने इसी सपने की मर्यादा रखते हुए पदमसेन ने अपनी बेटी सूरी रत्ना को पूरे शान शौकत के साथ समुद्र के रास्ते कोरिया भेज दिया। 2 महीने की लंबी यात्रा के बाद राजकुमारी सूरी रत्ना कोरिया के जियम ग्वेंगे प्रांत में पहुंच गई जहां राजा किम सुरो का महल था। उस वक्त रानी सूरी रत्ना की एज केवल 16 साल थी। कोरिया पहुंचकर राजकुमारी सूरी रत्ना कुछ दिन तक टेंट में रही। जिस दौरान सूरी रत्ना कोरिया की समुद्री यात्रा पर निकली थी उस दौरान कोरिया के राजा किम सुरो की शादी की बातें चल रही थीं। उनके दरबारी लगातार उन्हें यह सलाह दे रहे थे कि वह अपने राज्य की किसी कुंवारी लड़की से विवाह कर लें। रानी सूरी रत्ना के साथ में आए लोगों के पास सोना चांदी और बहुत से कीमती सामान थे जो वह तोहफे के तौर पर अपने साथ लेकर आए थे। कुछ दिन बाद राजकुमारी सूरी रत्ना राजा किम सुरो से मिलने उनके दरबार में पहुंच गई। रानी सूरी रत्ना ने जब किम सुरो को अपने सपने के बारे में बताया तो राजा का जवाब सुनकर वह चौंक गई। किम सुरो ने कहा कि उन्हें भी सूरी रत्ना के आने का पहले से ही आभास हो गया था, इसलिए उन्होंने किसी और से शादी नहीं की। कुछ दिन बाद राजकुमारी सूरी रत्ना और राजा किम सुरो की शादी हो गई। किम सुरो से शादी के बाद रानी सूरी रत्ना को हेओ ह्वांग-ओक नाम दिया गया। कहा जाता है कि महारानी हेओ ह्वांग-ओक और राजा किम सुरो के कुल 12 बच्चे हुए। उस समय राजकुमारी के साथ करीब 200 से ज्यादा लोग गए थे जो वहीं कोरिया में रह गए और वहीं के लोगों से शादी करके बस गए। आज उनकी पॉपुलेशन 60 लाख से ज्यादा हो चुकी है। आज कोरिया में कारक गोत्र के तकरीबन 60 लाख लोग हैं जो खुद को राजा किम सुरो और अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना का वंशज मानते हैं और उन्हें राजमाता के तौर पर पूजते हैं। दोस्तों, आपने किम नाम वाले बहुत सारे कोरियन लोगों के नाम सुने होंगे, वो इन्हीं की वंशावली से निकलकर आते हैं। कोरिया के कई सारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और बड़े बड़े मशहूर लोग अपने आप को रानी सूरी रत्ना का वंशज मानते हैं और यह कहते हुए बहुत प्राउड फील करते हैं। साउथ कोरिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट किम डाइजंग और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर किम जोंगपिल, यह दोनों लोग भी अपने आप को राजकुमारी सूरी रत्ना का वंशज मानते हैं। आज के कोरियन लोग उन्हें महारानी हेओ ह्वांग-ओक के नाम से जानते हैं। भारत में आज भी बहुत से लोग रानी सूरी रत्ना की सच्चाई के बारे में नहीं जानते, मगर साउथ कोरिया में उन्हें लेकर जबरदस्त भावना है, जबरदस्त इमोशन है। साउथ कोरिया के 2/3 से अधिक लोग आज भी अयोध्या को अपनी मातृभूमि मानते हैं और वह अयोध्या को अपना ननिहाल मानते हैं। इसलिए जब 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी तब पूरे कोरिया के लोगों ने उसे ऑनलाइन देखा था। बड़ी ही कमाल की बात है दोस्तों, आज भी कोरिया के लोग हजारों की संख्या में हर साल अयोध्या घूमने आते हैं और रानी सूरी रत्ना के स्मारक में जाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वे मानते हैं कि कोरिया और अयोध्या का एक गहरा संबंध है जो 2000 साल पुराना है। आप ये बात सुनकर चौंक सकते हैं कि रानी सूरी रत्ना का ये मेमोरियल पार्क अयोध्या की सरयू नदी के तट पर साल 2001 में बनाया गया था। साल 2001 में कोरिया की गिम्हे सिटी और भारत की अयोध्या सिटी, इन दोनों को सिस्टर सिटीज की तरह विकसित करने के लिए एक पार्टनरशिप बनाई गई थी। साल 2021 में दिल्ली में एक इंडिया कोरिया फ्रेंडशिप पार्क भी बनाया गया था। दोस्तों, रानी सूरी रत्ना की इस पूरी कहानी का जिक्र कोरिया की एक पुरानी किताब सैमगुक्यूसा में किया गया है, जिसे 13वीं शताब्दी में एक बुद्धिस्ट मंक ने लिखा था। कहा जाता है कि राजकुमारी सूरी रत्ना अपनी समुद्री यात्रा के दौरान अपनी नाव को संतुलित रखने के लिए अपने साथ अयोध्या से कुछ पत्थर लाई थी। इन पत्थरों को कोरिया के लोगों ने आज तक संभाल के रखा हुआ है। रानी की याद में कोरिया के गिम्हे शहर में एक स्मारक बनाया गया है। उस स्मारक के ठीक सामने एक शिलालेख है जिसे रानी अपने साथ अयोध्या से कोरिया लेकर आई थी। क्या बात है दोस्तों, क्या लाजवाब कहानी है और क्या खूबसूरत इमोशन है। इसलिए आज जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो भारत के साथ लाखों कोरियाई लोग भी भावुक हैं। आप सुनिए भारत में खुद कोरिया के एम्बेसडर ने इस बारे में क्या कहा था। Ayodhya is very important for both of us. 2000 years ago, started from Ayodhya. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कोरियन हिस्ट्री में आज भी राजकुमारी सूरी रत्ना और राजा किम सुरो के बारे में पढ़ाया जाता है। इसलिए सभी कोरियन इस हिस्ट्री को अच्छे से जानते हैं। कोरिया के लोगों का मानना है कि सूरी रत्ना और किम सुरो के वंशजों ने कोरिया के कई हिस्सों पर लंबे समय तक राज किया था और इनके वंशजों को ही कारक नाम दिया गया, जो बाद में कोरिया बन गया। दोस्तों, भारत और कोरिया के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस पिछले 2000 साल से हैं, जो उस समय एक समुद्र की जर्नी से शुरू हुए थे। आज भी वो रिलेशंस इतने मजबूत खड़े हुए दिखाई देते हैं। अगर आप राजकुमारी सूरी रत्ना और राजा किम सुरो के बारे में ज्यादा डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप 2010 में बनी वेब सीरीज किमसुरो द आयरन मैन भी देख सकते हैं। दोस्तों, आप में से कितने लोगों को रानी सूरी रत्ना के बारे में पहले से पता था, और अगर पता था तो कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। अगर आप भी चाहते हैं कि अयोध्या और प्रभु श्री राम की महिमा और भी लोग जाने तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।